हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा मोल्डोवा का किस तरीके से अप्लाई करें और उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सॉफ्ट कॉपी राइट, ये ध्यान रखना है। साइज इसका ये होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपका 1.5 लाख रुपये का होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए आपका। दिन आप ट्रैवल करने वाले हैं, लाइक आपको 10 दिनों का चाहिए या 20 दिनों का वीज़ा चाहिए, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी उतने ही दिनों का करवाना पड़ेगा। होटल बुकिंग चाहिए आपके पास और एक्टिविटीज़ भी बुक करना पड़ेगी। एक्टिविटीज़ क्या, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा कि हाँ आप वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, कोई सा फेस्टिवल अटेंड करने जा रहे हैं या तो फिर लाइक टूर वगैरह। और कवर लेटर आपको एक लिखना पड़ेगा और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपके पास होना चाहिए। तो ये 8 चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आके लिखें ई वीज़ा मोल्डोवा। ओके, ये वेबसाइट खुलेगी। गूगल सर्च में आपको सबसे पहले ये जो वेबसाइट मिल रही है evisa.gov.md, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इधर आकर के आप फीस वगैरह और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो चेक कर सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आकर के आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर ये सारी फील्ड्स आपको फिलअप करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेंगे एमएल स्टार्क। यहाँ पर आप सरनेम फिल करें और नेशनलिटी में आप आइए। वहाँ पर आप सिलेक्ट करें जो भी आपकी नेशनलिटी है, मेरी इंडिया है और आपकी भी इंडियन है तो आप इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे राइट। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश में, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको चाहिए सपोर्ट जो कि हिंदी स्पीकर नहीं है, या सबटाइटल्स ऐड कर देंगे। खैर वो बात की बात है, अभी हमें यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, तो ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, मैंने ये डाल दिए, वही ईमेल आईडी फिर से आपको यहाँ पर डालनी है। ओके, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आकर के आपको ये कैप्चा कोड डालना है ED26RS। ठीक, ये जब आप कर लेंगे तो आपकी फाइल हो जाएगी रजिस्टर्ड, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जीमेल पर आना है, जो भी आपने ईमेल यूज़ करा है, जीमेल या हो व्हाटएवर, आपको इधर आना है और आकर के आपको चेक करना है। आप देखिए ये आपको सारी डिटेल्स आ गई कि ये आपका वीज़ा का फाइल नंबर है, ये आपका फर्स्ट नेम है, ये आपका सरनेम है, ये आपकी सिटीजनशिप है और ये आपने ईमेल यूज़ करा है। आज 1 अक्टूबर को आपने फाइल रजिस्टर करा है और ये कब तक रजिस्टर्ड रहेगा, 11 अक्टूबर तक, मतलब आप ये 10 दिन में अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये नंबर को आप कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया, इधर आइए वापस ई वीज़ा मोल्डोवा की वेबसाइट पर। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर फाइल नंबर जो आपने कॉपी करा है उसे पेस्ट करिए, ईमेल जो आपने डाला था वो आप डालिए, फिर से एक वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है तो वो कर दीजिए। ओके, यहाँ से फिर आप एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लिक करिए। सर नेम आपका, नेम आपका, प्रीवियस कोई भी नाम आपका था नहीं था, अगर देखिए नाम चेंज करा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर यस करें, नहीं करा है तो नो करें। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आप DOB डालें, तो हम कोई भी एक रैंडम डेट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2000 राइट। ये ले लिया। प्लेस ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दें जो भी आपकी है, लाइक मैं तो कुछ भी डालूँगा, आपकी जो एग्जैक्ट है, जैसे आप मान लीजिए मुंबई में पैदा हुए हैं तो आप मुंबई में डालिए। अब मुंबई कहाँ पर आता है, तो सबसे पहले तो ये जो नॉट एप्लीकेबल है इसको हटाइए, यहाँ पर स्टेट आप डालिए महाराष्ट्र। ओके, कंट्री रीजन इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पर।
उसके बाद सिटीजनशिप आपकी इंडिया है. हैव यू एवर हैड और डू यू हैव अनदर सिटीजनशिप दैन द वन प्रीवियसली इंडिकेटेड. मतलब आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है, तो अगर आप इंडियन हैं तो आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पर नो करना है. नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है. तो फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं कुछ इस टाइप से. ओके, जेंडर आपको पता ही है, मेल फीमेल जो भी आप प्रेफर करते हैं और जो भी आपका जेंडर है, नो ऑफेंस. हाँ, यहाँ पर क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंगल ही डालेंगे, मैरिड है तो मैरिड डालिए. ओके, होम एड्रेस, तो आप होम एड्रेस में क्या जो भी आपका घर का एड्रेस है वो डालिए अच्छे से यहाँ पर. फॉर एग्जांपल आपके घर का नंबर है 41, तो आपने यहाँ पर डाल दिया. लोकेलिटी आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी आपकी लोकेलिटी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम साकित ले लेते हैं. ओके, ये हो गया. डू यू हैव अनदर एड्रेस, तो अगर आपका कोई और एड्रेस है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए. मेन फ़ोन नंबर, तो अब यहाँ पर आपको नंबर डालना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक, सेकेंडरी अगर दूसरा नंबर यूज़ करते हैं तो वही डालिए, नहीं तो आप वही नंबर भी डाल सकते हैं. ये मेरा नंबर नहीं है तो कॉल मत करना, मैंने इसे रैंडमली डाल दिया कुछ भी. ये ईमेल आईडी है और ईमेल आईडी हमने डाल दी है. इसके अलावा और क्या करें, एप्लीकेंट इज माइनर तो वो तो है ही नहीं, आप 18 साल से बड़े हैं तो माइनर कहलाएंगे नहीं. ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो अदर, और यहाँ पर आकर के आपको स्टूडेंट टाइप कर देना है. मैं नंबर चेंज कर देता हूँ यार, कोई मेरे ऊपर लीगल एक्टिविटी ना करे तो भाई प्लीज़, मैंने वो रैंडमली डाला था बिल्कुल, तो ध्यान रखना, कॉल वॉल मत कर देना. ओके, आगे चलते हैं. इसको पहले सेव कर लो, सेव करते रहना, उसके बाद नेक्स्ट करना. ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है वो करो, अनदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है. यहाँ आकर क्या आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल दो, क्या डाला था हमने वहाँ पर, W174303, आई डोंट नो किसी का पासपोर्ट नंबर हो तो आई एम सॉरी, ये मैंने बिल्कुल रैंडम लिया है, बिल्कुल रैंडम, आई डोंट नो. ओके, आपकी सिटीजनशिप क्या बोल रहा है, कंट्री विच इश्यूड पासपोर्ट, जिस भी कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया है आप इंडियन होम इंडिया डालोगे. इश्यूड बाय, तो इश्यूड बाय जो है, देखिए प्लेस ऑफ इशू में तो आप लिख देंगे जहाँ भी आपको इशू हुआ है. फॉर एग्जांपल मुंबई में इश्यूड बाय क्या, आपको यहाँ पर लिखना है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इश्यू डेट, इशू डेट जो जिस भी तारीख को पासपोर्ट आपका इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल 2017 3 अक्टूबर को इशू हुआ है, कब तक वैलिड रहेगा, तो 10 साल तक जनरली ये वैलिड रहता है. तो आप यहाँ पर आके सेलेक्ट करें 2027 और हाँ कुछ ऐसे रहती है डेट्स. डू यू हैव अनदर पासपोर्ट, नो. डू यू रिसाइड इन अ कंट्री अदर देन द सिटीजनशिप कंट्री, तो फिलहाल अगर आपके पास किसी कंट्री का पीआर है, जैसे बहुत से लोगों के पास होता है परमानेंट रेसिडेंस, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं. ट्राई करें कि यूक्रेन की आप टीआरसी या सिटीजनशिप या पीआर का कुछ भी यहाँ पर इशू कुछ भी यहाँ पर ऐड ना करें. ओके, तो फिलहाल हमें सेफ रहना है, हमें वीज़ा चाहिए टूरिस्ट वीज़ा, तो आप इसको सेव कर सकते हैं राइट, नो करके सेव कर दिया आपने. अब आप आगे बढ़ें. रिक्वेस्टेड वीज़ा टाइप, अब आप देखिए टूरिज्म वीज़ा ले रहे हैं क्योंकि आप घूमेंगे भी कुछ दिन वहाँ पर, तो ये सीटी टूरिज्म आपने कर दिया. नंबर ऑफ एंट्रीज, ये आपके ऊपर है आपको कितनी एंट्रीज चाहिए. वी आर अप्लाइंग फॉर वन एंट्रेंस बिकॉज एक एंट्रेंस का इजीली मिल जाता है. अब फॉर एग्जांपल आपको कितने दिन वहाँ पर रुकना है, आप चाहते हैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन, हमने 15 दिन का वीज़ा अप्लाई करने की यहाँ पर 15 डेज यहाँ पर डाल दिया है.
विजिट पर्पस टूरिज्म आ गया। वैलिड फ्रॉम में आपको वो डेट डालनी है जब आप चाहते हैं कि वो वीज़ा उस दिन से स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरा वीज़ा स्टार्ट होगा 20th अक्टूबर को और 15 दिन कब उसके पूरे हो रहे हैं, तो उसके 15 दिन पूरे हो रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 तारीख को, तो 2 तारीख आपने डाल दिया कि 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 1, 2, 3 3 तारीख को रहे हैं सॉरी, तो आपने 15 दिन गिन के बिल्कुल अच्छे से डालना। और क्या आपको पिछले 12 महीनों में फिर से, या मतलब सॉरी, आपको पिछले 12 महीने में आपको कभी मोल्डोवो का वीज़ा जो है वो इशू हुआ है कोई सा भी एंट्री वीज़ा, तो उसको आपको नो करना है क्योंकि आपने लिया नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि आपके पास कोई वैलिड वीज़ा है या रेसिडेंस परमिट है किन कंट्रीज़ का, या तो शेंगेन एरिया का या ईयू मेंबरशिप का है, तो डाल दो। कंट्री पूछेंगे कि किस कंट्री में, मतलब किस कंट्री का है वीज़ा नंबर, ये सब देखो, इशू डेट, वैलिड अप, ये सब पूछेंगे। नहीं है तो नो कर दो। ओके, इसको सेव करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, गलती हो गई। नवंबर, वैलिड अप टू 3 नवंबर। ये क्या, नवंबर हमने कर दिया, अब ये नेक्स्ट हो गया। ठीक है, डेट वेट देखो, इसीलिए तुम्हारे सामने करके बता दिया, ध्यान रखना डेट वेट कैसे रखना है। अब डेस्टिनेशन कंट्री, तो भाई मोल्डोवा जा रहे हो तो वही रहेगी ना डेस्टिनेशन कंट्री मोल्डोवा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करा, वो लोग यूक्रेन डालते हैं, सब मत करा करो। ट्रांजिट वीज़ा है तो यूक्रेन डालो, टूरिस्ट वीज़ा है तो मोल्डोवा डालो। सिटी ऑफ अराइवल जिससे नाव लिखो, ओके, स्पेलिंग वगैरह चेक करते रहना। सिटी ऑफ डिपार्चर, अब यार तुम मुंबई से फ्लाइट लो या दिल्ली से, वो यहाँ पे लिखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या, डू यू हैव अ रिजर्वेशन ऑफ अ राउंड वे टिकट, मतलब आपके पास आने जाने का टिकट है, आप मोल्डोवा जा रहे हो चिसिनाउ और वहाँ से वापस आने का टिकट है, तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो यस, अराइवल क्रूज, मतलब अराइवल क्रूज या फ्लाइट नंबर, वो फ्लाइट जो के चिसिनाउ पहुँचेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया TK269, जो भी फ्लाइट नंबर है, जनरली टर्किश एयरलाइंस का ये होता है, तो मैंने वो डाल दिया। और डिपार्चर क्रूज, मतलब जिससे आप मुंबई या दिल्ली से उड़ने वाले हो, ये डिपार्चर ना इंडिया वाला डालना और अराइवल में मोल्डोवा वाला डालना। ठीक है, जब जिस दिन आप जिससे ना पहुंचोगे ना मोल्डोवा, वो फ्लाइट आएगी यहाँ पर, और जिस फ्लाइट से आप निकलोगे मुंबई या दिल्ली से, वो फ्लाइट का नंबर आएगा यहाँ पर। इसको नो करना है क्योंकि आप कार से मोल्डोवा नहीं जा रहे हो। सेव करके नेक्स्ट करो। आर ट्रेवल कॉस्ट एंड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द स्टे सपोर्टेड बाय यू, क्या आप ट्रेवल कॉस्ट का खर्चा आप उठा रहे हो और वहां पर रहने का खर्चा वगैरह, तो अगर आप उठा रहे हो बाय द एप्लीकेंट करो। कैसे कैसे उठाओगे, तो आपके पास जाहिर सी बात है कैश रहेगा, क्रेडिट कार्ड बहुत से लोगों के पास होता है, नहीं हो तो मत सेलेक्ट करना। अकोमोडेशन पेड इन एडवांस, तो ये तो करना ही क्योंकि होटल बुकिंग शो करनी है आपको, राइट। और प्रीपेड ट्रेवल, प्रीपेड ट्रैवल, तो क्या है, ये आपने टिकट तो बुक कर ही लिए, तो प्रीपेड ट्रैवल को आप सेलेक्ट कर लो और सेव कर दो। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो कुछ भी डाल दो, मूनलाइट होटल या जो आपको अच्छा लगे, आपको होटल बुकिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको उसका एड्रेस लेना है, तो सर्च कर लो आकर के गूगल पे, मूनलाइट होटल चिसिनाउ। ओके, ये आपने कर लिया। अभी क्या, यहाँ पे देखो इसका एड्रेस आपको दिख रहा है, ये कॉपी कर लो, जाओ यहाँ पर, ये फोर जो है ना 44M, इसको स्ट्रीट लाइन 1 में करना,
स्पीड लाइन टू में ये करना, देखो गलती मत करना, अच्छे से करना। लोकेलिटी आपकी रहेगी चेसिनाउ, स्टेट नॉट एप्लीकेबल। और इसका पिन कोड काम करो, स्टेट में भी ना चेसिनाउ डाल दो, कल कोई दिक्कत ना आए, डाल दो। अगर कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेते हैं वो लोग। सिर्फ कोड कुछ ऐसा था यहाँ पर, तो मुझे याद आ रहा है इस टाइप से, चार डिजिट्स का होता है इनका जिप कोड। ठीक, फ़ोन नंबर यहाँ पे आप डाल दो अगर आपको फ़ोन नंबर मिलता है तो। और ईमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। हैव यू फिल्ड इन द स्पॉन्सरशिप, इसको ना क्या करो, नो कर दो, क्योंकि तुम टूरिस्ट हो और तुम होटल में जाके रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट करो, होटल की इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि तुम्हारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, तो आई एम अवेयर, यस, सेव करो, हो गया। अभी क्या होगा, नेक्स्ट करो इसको। अब यहाँ पर आ जाएगी फीस की बात, तो देखो फीस कितनी है, 40 यूरो, 40 यूरो फीस है, इसको कन्वर्ट कर लो। और आई सजेस्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो तो कोई इशू नहीं आना है। 40 यूरो कितना होता है, 3200 रुपये, ये तुम्हारी वीज़ा फीस है, तो वो यहाँ पे तुम्हें आई एग्री करना है। ठीक, नीचे देख लो, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, जैसे WHO, UN वगैरह, या कोई डिप्लोमेट है तुम्हारी फैमिली में, या गवर्नमेंट ऑफ मोल्डोवा से रिलेटेड है। तो इस टाइप से तुम देख लो, अगर तुम अंडर 18 हो, वैसे तो यार अंडर 18 तो हो गए नहीं, सब स्टूडेंट हो, तो उस हिसाब से कर लो। फिलहाल मैंने तो नॉट एप्लीकेबल करा है, और अगर तुम्हारा इनमें से कुछ नहीं है तो तुम भी नॉट एप्लीकेबल ही करना। ओके, इसको सेव करो, इसके बाद इसको पे करो। तो देखो तुम पे करने आ गए ना, यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करो और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डाल दो। राइट, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद तुमको क्या करना है, इसको कंफर्म करना है सिलेक्ट करके, और सिलेक्ट करने के बाद इसको कंफर्म करना है। ठीक, कंफर्म करोगे पेमेंट का पेज खुल जाएगा, देखो इस टाइप से। अरे ऐसे कंफर्म करो, वीजा और मास्टर कार्ड। देखो अगर कार्ड से करना है तो इससे करोगे, बाकी ऑप्शंस तो अपने पास अभी है नहीं फिलहाल, तो इसी से करो। कोई सा भी एक बैंक चुन लो, फिर उसके बाद इस बैंक का एक ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक, नाम लिखो यहाँ पे, कार्ड नंबर लिखो, एक्सपायरी डेट और CVV पे कर दोगे। या देखो सबने पेमेंट करी हुई कार्ड से, तो तुम्हें यहाँ पर आ जाएगा क्या कहते हैं, पेमेंट का पेज, OTP आएगा, OTP डालो, पेमेंट हो जाएगी। जब पेमेंट हो जाएगी तो तुम वापस इस पेज पर आओगे। ठीक, कौन से वाले पर, ये वाले पर, ये तुम्हारा पेड हो जाएगा। यहाँ से तुम इसके बाद इसको नेक्स्ट करोगे, तो अभी यहाँ पे प्लीज पे द वीज़ा फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगी। पे कर दोगे तो ये आएगा एक पेज, देखो अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये अटैच करना है ना, यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये वाले, स्कैन पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइट, उस पेज पर जाओगे तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा। होटल बुकिंग भी तुम्हें अपलोड करना पड़ेगी वहाँ पर, और एक्टिविटीज बुकिंग कैसे करनी है और कवर लेटर कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, और फ्लाइट टिकट भी तुम्हें अपलोड करना पड़ेगा। तो देखो जब ना तुम उस पेज पर आओगे,
तो तुम्हें ये सबसे ऊपर ये अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आएगा, ठीक। तो ये जो डॉक्यूमेंट प्रूविंग द पर्पस ऑफ विजिट, इनविटेशन, कॉपी ऑफ शेंगेन वीजा, ओके। तो क्या है कि भाई अपने पास तो कोई इनविटेशन है नहीं और ना ही शेंगेन वीजा, जिसके पास हो वो डाल देना, बहुत अच्छा है, इंपैक्ट जाएगा, जल्दी वीजा लग जाएगा। नहीं हो तो मैं बताऊंगा एक वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कवर लेटर लिखना है, और कवर लेटर के साथ में जो आपने बुकिंग्स करी ना एक्टिविटीज की, उन दोनों के एक पीडीएफ बनाना है, मर्ज करना है, और वो यहाँ पर इस वाले में वीजा रिक्वेस्ट में अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फोटोग्राफ आ जाएगा, देखो ये आप अपलोड कर दोगे, उसके नीचे आ जाएगा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको पासपोर्ट डालना है, और उसके बाद क्या क्या डालना रहेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट टिकट और बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इसका ऑप्शनल लिखा हुआ आएगा, हाँ उस पेज पर, तो ऑप्शनल समझ के ये नहीं कि नहीं करूँ, डालना है, ठीक है। तो यार कुछ बुकिंग्स देख लेते हैं, होटल बुकिंग, होटल बुकिंग कैसे करोगे, तो देखो किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ, ट्रिप एडवाइजर या booking.com पर चले जाओ, ठीक। booking.com खुल जाए, बस खुल गया। जिस दिन आप वहाँ पहुँचने वाले हो, मान लो 21 तारीख को पहुँचोगे, तो चेक इन की डेट डालो 21 अक्टूबर। चेकआउट कब करोगे तुम, तो 3 की फ्लाइट थी रिटर्न, 3 डाल दिया। अडल्ट तुम एक ही रहने वाले हो, दो एक दो तुम लोग साथ में जाओ, मैं तो यही बोलूँगा कि एक ही प्रेफर करो, साथ में भी जाओगे तो अपनी अलग अलग बुकिंग रखना। ये देखो ये तुम्हारा मूनलाइट होटल आ गया, मैं किसी का प्रमोशन ही कर रहा, पर मूनलाइट होटल देखो यहाँ पर 13 रातों के लिए एक नॉर्मल प्राइस में मिल रहा है 41,000, 41,000। तो वो ले लो भाई, सामने वाले को चेक करते वक्त ऐसा लगना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मूनलाइट ही लो, ठीक, कोई सा भी ले लो जो भी तुमको जमे, जैसे ये बेड एंड ब्रेकफास्ट ये वाला तुमने ले लिया, ठीक। यहाँ पे तुम्हें रहना तो है नहीं यार जाकर, इसको तुमको कैंसिल करना है, इसे बस क्या चेक करना है कि फ्री कैंसिलेशन है या नहीं, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है फ्री कैंसिलेशन अंटिल 19 तारीख तक, तो इसमें अपना सिलेक्ट रूम करो एक और रिजर्व इसको कर लो, रिजर्व पे क्लिक करोगे। आर यू ट्रैवलिंग फॉर वर्क, तो देखो तुम वर्क के लिए तो ट्रैवल कर नहीं रहे हो, यहाँ पे तुम्हें अपना नाम डालना है और सरनेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, तो कर लो। है ना, तो ये डाल दिया, किसके लिए बुक कर रहे हो, तो भाई अपने लिए कर रहे हो, आई एम द मेन, आई एम द मेन गेस्ट, ओके। फुल नेम डाल दिया, एम आर स्टॉक, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, आई एम इंटरेस्टेड इन रेंटिंग कार, तो भाई ये सब करना नहीं है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इनको बता दो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फ्लाइट सुबह 9 बजे वहाँ पर पहुँच रही है, तो तुम होटल कब तक पहुँचोगे, तो डाल दो 10 से 11, तो वो सामने वाला ना क्या करेगा, तुम्हारी बुकिंग जो है, तुम्हारी चेक इन के लिए रूम वगैरह सब रेडी करके रखेगा, और इवन वो होटल के बाहर रहेगा आकर के कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे तुम अपना कार्ड डिटेल डाल दो, ओके। कार्ड डिटेल डालोगे, उसके बाद यहाँ पे सब करोगे, यहाँ पर कंप्लीट बुकिंग करोगे, एक बार चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है, नाम वाम अच्छे से डालना जो पासपोर्ट पे लिखा है वही, कंप्लीट बुकिंग कर दोगे, क्या होगा, ईमेल आएगा, ईमेल आएगा, और वो उस ईमेल में तुम्हारी फाइल आएगी,
उस फाइल को क्या करना है, पीडीएफ फाइल को ला करके जो इधर पेज आता है ना अपना, हाँ वो होटल बुकिंग इधर ला करके नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा, उसमें ला करके तुम्हें वो अपलोड करना है। तो होटल बुकिंग क्लियर हो गया। अब देखो यार 25 मिनट का तो वीडियो ऑलरेडी हो गया है, तो इसके बाद तुम्हें कैसे क्या करना है वो मैं बताता हूँ अगले वीडियो में। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आएगी अपलोड करने में और तुम्हें भी देखने में आलसी आएगी, तो खैर देख लोगे लास्ट तक अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा हर चीज़। किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होटल बुकिंग देखो फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अब ट्रैवल इंश्योरेंस बच रहा है ना, और रिटर्न फ्लाइट टिकट्स बच रही है, और कवर लेटर, तो वो मैं एक और वीडियो में डालूंगा, उसमें सब बताता हूँ मैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो तुम देख लेना। ओके।